Well, hello students, welcome to Knowledge Academy. Today, in this very important session of educational psychology, we shall discuss about learning. Learning, जिसे सीखना कहा जाता है या अधिगम कहा जाता है, we shall discuss about what is the nature of learning, definitions and meaning of learning, characteristics and feature of learning, process of learning, etc. But students, before starting the session, I would like to say that please like, subscribe and share channel for new updates. It will be beneficial for you for knowledge, because knowledge is power, knowledge is virtue, knowledge is strength, and ideas of knowledge rules all over the world. Students, यदि अधिगम के स्वरूप या नेचर के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो हमें सहज विदित होगा कि अधिगम एक व्यापक शब्द है. अधिगम जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है. व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वह परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने हेतु सीखता है. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है. मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा संपन्न होती है. मानव व्यवहार अनुभवों पर आधारित होता है और अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता रहता है. अधिगम की प्रक्रिया में प्रायः दो तत्व निहित होते हैं, परिपक्वता और पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता. उदाहरण के लिए, एक बालक यदि जलती हुई अंगीठी को स्पर्श करता है और जिज्ञासावश छूता है तो उसे सहज विदित हो जाएगा कि इसको छूना कष्टकारी है, क्योंकि जब वह जलती हुई अंगीठी को छुएगा तो उसे कष्ट का अनुभव होगा और उसे पता चल जाएगा कि आग से जल जाते हैं. अतः इस अधिगम की प्रक्रिया के पूर्व अनुभव द्वारा घटित होती है तथा वह इसे भविष्य में नहीं छुएगा. इस आधार पर कहा जा सकता है वास्तव में अधिगम ही शिक्षा है. लर्निंग इज एजुकेशन. अधिगम और शिक्षा ही एक प्रक्रिया के दो पहलू हैं. दोनों प्रक्रियाएं सदैव ही सर्वत्र समान रूप से चलती हैं. बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ, अपने अनुभवों से सीखता हुआ और लाभान्वित होता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है, वास्तव में वही लर्निंग है. इस संदर्भ में ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन की परिभाषा बताने योग्य है कि व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, वास्तव में अधिगम कहलाता है. एनी चेंज ऑफ बिहेवियर विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच कॉजेज पीपल टू फेस लेटर सिचुएशन डिफरेंटली मे बी कॉल्ड लर्निंग. लर्निंग की परिभाषा यानी अधिगम के संदर्भ में यदि चर्चा करें या अधिगम की परिभाषाओं पर प्रकाश डालें तो मॉर्गन की परिभाषा भी सहज है या उत्कृष्ट है कि अधिगम पूर्व अनुभवों के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है या वह परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है. लर्निंग इज सम मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ रिलेटेड फॉर एटलीस्ट टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. गेट्स और अन्य का इस संदर्भ में कहना है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है. लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. वुडवर्थ की परिभाषा भी उत्कृष्ट है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही वास्तव में अधिगम है. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. स्किनर सेज प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को भी अधिगम कहा जाता है. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ एडॉप्शन. क्रॉनबेक ने कहा है कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है. लर्निंग इज शोन बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. अतः मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के संदर्भ में या लर्निंग के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण घटक बताए हैं उनमें अधिगम की क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन संभव होता है. जैसे आग से जल जाने पर बालक फिर दोबारा आग को या अंगीठी को स्पर्श नहीं करेगा. व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह कुछ समय तक अवश्य बना रहता है. जैसे वह जल्दी इसको भूलता नहीं है तथा पुनः कष्ट प्राप्त करना नहीं चाहता है. व्यवहार में परिवर्तन पूर्व अनुभवों द्वारा ही घटित होता है. जैसे यदि बालक कभी आग से जल गया तो वह आग को दोबारा नहीं छुएगा.
अधिगम के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई देने वाला या ना दिखाई देने वाला, आंशिक रूप से दिखाई देने वाला या ना दिखाई देने वाला, या पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला भी हो सकता है। अधिगम संबद्धात्मक रूप से व्यवहार या कृत कार्य में स्थायी परिवर्तन होता है। कृत कार्य के रूप में व्यवहार में होने वाले परिवर्तन में वे परिवर्तन या वे परिमार्जन सम्मिलित नहीं किए जा सकते जो परिपक्वता, थकान तथा मूल प्रवृत्ति व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। एक बार व्यवहार में परिवर्तन होने के पश्चात नवीन परिस्थिति में या नवीन परिवर्तित व्यवहार का संशोधन किया जा सकता है। अधिगम के द्वारा अधिगमी ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालकों यानी कॉग्निटिव एफेक्टिव एंड कॉग्निटिव साइकोमोटर के क्षेत्र में वृद्धि एवं पुनर्वृद्धि प्राप्त की जा सकती है, जिससे उसके व्यवहार में विकासात्मक परिवर्तन संभव होता है। स्टूडेंट्स, मनोवैज्ञानिकों ने या एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने अधिगम की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग के संदर्भ में भी चर्चा की है। इस संदर्भ में गुथरी महोदय का मत जानने योग्य है कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। एबिलिटी टू लर्न टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सिचुएशन बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस टू अ सिचुएशन। पील महोदय के अनुसार अधिगम के द्वारा व्यक्ति में स्थायी और अस्थायी दोनों ही परिमार्जन संभव होते हैं। अधिगम व्यक्ति की सहज स्वाभाविक क्रियाओं जैसे पलक झपकना, हाथ खींच लेना आदि से विभिन्न होता है, या ये कहें कि पृथक माना जाता है। अधिगम सामाजिक और जैविक अनुकूलन हेतु वांछनीय है और चेतन उद्देश्य से प्रेरित होता है। अधिगम व्यक्ति में सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार पैदा कर सकता है या उत्पन्न करने की इसमें क्षमता होती है। अधिगम त्रुटि रहित एवं त्रुटिपूर्ण दोनों ही हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है या प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक बॉयज ने कहा है, लर्निंग इज द प्रोसेस विच इज द इंडिविजुअल एक्वायर्स नॉलेज, हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स दैट आर नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ इन जनरल। अधिगम प्रक्रिया की विशिष्टताओं के संदर्भ में चर्चा करें तो हमें सहज विदित होगा कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम परिवर्तनशील है, अधिगम विकास करने योग्य है, अधिगम से अनुकूलता उत्पन्न होती है, अतः इसमें अनुकूलन संभव है, अधिगम प्रयोजनपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और रचनात्मक होता है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, लर्निंग इज चेंज, लर्निंग इज डेवलपमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परपसिवनेस, लर्निंग इज कंटिन्यूअस, लर्निंग इज क्रिएटिव। So we can say that learning is response and total to new situations. I hope learning के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण व्याख्यान से आपको अवगत कराया वो स्पष्ट हुआ होगा।